गाड़ी का हम रिव्यू करते हैं, लेकिन एक मसला हो गया। मैं फिजा को साथ ले आया हूँ, वो मसला नहीं है। मसला है कि मैंने कहा था इसको साथ ला के ना तो मेरी हेल्प कराना गाड़ी के रिव्यू वगैरह में ना, तो मुझे एक आइसक्रीम भी पड़ेगी उस पर। कहती अब आइसक्रीम खिलाओगे तो रिव्यू कराऊंगी। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज द 8th व्लॉग इन अ रो आई एम मेकिंग। लाइफ इज गुड, काम पे जा रहा हूँ मैं इस वक्त सुबह सुबह, मंडे अर्ली मॉर्निंग। नहीं जाएंगे तो फिर टूए पे छितर पड़ेंगे। खैर अभी मैं काम पे जा रहा था ना तो सुबह सुबह मैंने एक टिकटॉक देखी। एक बंदा कह रहा था कि यार डोंट हैव किड्स, जस्ट वेट आउट। अभी ना तुम जब 25 साल के हो तो 26 साल के होते ना तो तुम्हें ना थोड़ा सा बेबी फीवर हो रहा है। एवरीवन इज हैविंग किड्स अराउंड यू, बट व्हेन यू गेट पास 30 योर डिजायर टू हैव किड्स विल eventually go away. 25 साल तो मुझे भी जिंदगी के अंदर हो गए हैं। For the last 2-3 years, my material possessions have been going down and down lately. Especially when it comes to just things buy for me, I have stopped getting fulfillment out of that. That's why I started finding peace and other things. I started collecting figures, but that's also, you know, not gonna last forever. What happiness is gonna last you forever is definitely having kids. देखो अल्लाह के निजाम पे मैं जब भी चलो ना लाइफ के अंदर नेचुरल निजाम पे, उसी चीज में सबसे ज्यादा मजा आया। सबसे ज्यादा आपको पीस और सुकून कहाँ पे जाके आता है? हाँ आप न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख लेते हो, दुबई में ये जो सारी मैन मेड स्ट्रक्चर्स है देख लिए, लेकिन सबसे ज्यादा दिल को सुकून और पीस और सबसे ज्यादा वंडर उधर ही बंदे को जाके होता है जहाँ पे सीनरी होती है ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड। नेचुरल थिंग्स ऑलवेज केटर्स टू योर सोल, हैंडमेड थिंग्स केटर टू योर माइंड, नेचुरल थिंग्स केटर टू योर सोल। विदाउट the mind, the brain, the body doesn't function, but without the soul, the brain doesn't function. So the soul is on the top. और soul को सुकून देने के लिए तो अल्लाह ने इस दुनिया में चीजें natural बनाई हैं, as in coming back to the first point, having kids. I do agree to a certain extent कि it's a very tough time to have kids. लोगों के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने system इस तरह बना दिया कि it's very, very, very hard to live on a single income household. Even before 2015-2014 it wasn't that bad. In recent times ab unhone system ko aise convert kar diya ki do incomes ke bagair ek average ghar chalta hi nahi hai. Lekin baap bhi kaam kar raha hai, maa bhi kaam kar rahi hai, to bachcho ko kaun dekh raha hai? Government dekh rahi hai. Ab day care mein de dete ho bachcho ko, which is also something I find so awful. Day care mein apni jaan apne bachche ko de rahe ho, jo tumhari extension, jo tumhari responsibility hai. Din ke 7-8 ghante, 9 ghante to tum day care mein dekh ke aa rahe ho, to the child's primitive years he's being raised by the daycare. And then क्या होगा? Daycare के बाद school चला जाएगा. And eventually school क्या पढ़ाना शुरू हो जाएंगे? Or you can be whatever you want to be. उल्टी सीधी बातें बताना शुरू हो जाएंगे. Kindergarten के यहाँ पे बच्चे जिनको टीचरे बता रही होंगी, हाँ, I'm pregnant. You know, it's a boy, it's a girl. The kids don't need to know that, right? But the system. The system that we're in, it's pushing you to have no other choice. उन्होंने make sure कर दिया है कि लोग ना बच्चे करें ही ना. It's just the system of selfishness. बस me, 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 me. Self love is the best love. Everybody already loves themselves. Like मैं तुम्हें कूद जाके अपने आप को आग लगा लो, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि प्यार ही करते हो अपने आप से. अपना सारा खाना दे दो जाके गरीबों को जो घर में फ्रिज में पड़ा है, नहीं दोगे ना. मोस्ट ऑफ अस डोंट डू इट बिकॉज वी लव अवरसेल्फ. यू आर ऑलरेडी डूइंग टू मच सेल्फ लव. द नेक्स्ट फुलफिलमेंट यू आर गोना गेट इन योर लाइफ इन एडल्ट इयर्स इज टू हैव अ फैमिली, इज टू हैव किड्स. बट दे आर ब्रेन वॉशिंग आवर माइंड्स इनटू थिंकिंग दैट वी शुड नॉट हैव किड्स. बच्चे शोर मचाते हैं, गंद मचाते हैं, एंड हाँ मचाएंगे. यू नो व्हेन आई हैव अ किड इन द फ्यूचर, आई नो आई एम गोना फेस दिस प्रॉब्लम, आई नो आई एम गोना बी अनॉयड 24/7. टू गेट पीस in life you have to sacrifice, that's what they tell you. Business bhi jab build kar rahe ho to kya kehta hai, shuru mein hard work karo, sacrifice karo, baad mein maza hi maza hai. This also applies to having a kid. Man, shuru mein thoda hard work hoga, nahi samajh aayegi, lekin eventually you'll have such a great time because that kid is literally your extension and you will live your life through that kid. Things I don't enjoy anymore: watching cartoons, eating junk food, eating all the, you know, crappy food that I used to love, all the things that I used to find amusing as a kid. When my kid will be enjoying those things, I will be enjoying those things through him again. That's the closest thing you can do to being a normal human again in this awful society. Kehte Democrats ko vote karo, nahi aap Republican ko karo. Left wing, right wing, same bird. There's only one puppet master. They're not looking out for your best interest. I think we have to look out for our own best interest. थोड़ी सी बात लंबी हो गई. मुझे बस वो टिकटॉक देख के सुबह बड़ा गुस्सा चढ़ा था कि मैं सुबह जब नाश्ता कर रहा हूँ तो ना अब न्यूज़पेपर तो होता नहीं, तो टिकटॉक पे न्यूज़ देख रहा हूँ. दिस इज वन वीडियो दैट पॉप्ड अप एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल मैन, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस. मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, मैं काम पर आ गया हूँ सक्सेसफुली. जो अभी इस गाड़ी का रिव्यू है और इसकी जो बात है, हम काम
मेरा कहने का मतलब है कि जो हम इस गाड़ी की बात है ना वो काम के बात करते हैं, फारिग होके ना आराम से फिर मैं खुल के बात करूंगा। आज भी कार्ड ले आया हूं मैं, शुक्र है अल्लाह का। बाय द वे बिफोर वी कंटिन्यू प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, कॉस्ट यू नथिंग बट हेल्प्स योर बॉय अ लॉट। एनीवेज आई विल सी यू आफ्टर वर्क। You see how the members are almost the same, but when you compare they're going to be different. I just wanted to show you that, and let's go back and see the IO volume. It's on IO 1. So now go back to 9S. Later that same evening. Hey boys and girls, senior, raat ka time ho gaya. Theek hai, main abhi gym se hoke aaya tha. Abhi ye main khane laga hoon. Ye khazane banaye hain noki. सॉसेज अंदर डाल के, ठीक है, नोकी एक वेजिटेबल होती है, आई डोंट नो, लेकिन लो कैलोरी होती है। साथ हम थोड़ी डाइट कोक पियेंगे, ये कैफीन फ्री डाइट कोक है, ये काफी फिट किस्म की है। ये जल्दी से खा के फिर हम निकलते हैं गाड़ी का रिव्यू करने। क्विक टेस्ट टेस्ट। रियली गुड। फिर इसमें क्या डाला स्वीट करने के लिए? से तेरियाकी सॉस, साथ सॉसेजेस हैं, आई लव सॉसेजेस। गाड़ी का हम रिव्यू करते हैं, लेकिन एक मसला हो गया, मैं फिजा को साथ ले आया हूँ। वो मसला नहीं है, मसला है कि मैंने कहा था इसको साथ ला के ना तो मेरी हेल्प कराना गाड़ी के रिव्यू वगैरह में ना, तो मुझे एक आइसक्रीम भी पड़ेगी उसमें। कहती अब आइसक्रीम खिलाओगे तो रिव्यू कराऊंगी। नहीं तो क्या, अभी भी बॉम्ब थ्रेट्स। फिर बॉम्ब इसके ना यूनिवर्सिटी से मैसेजेस आ रहे बॉम्ब थ्रेट के ना, के बिल्डिंगों में निकल रही है। तो मैंने इसको कहा कि हाँ यार फिर तुमने कल स्कूल तो नहीं जाना ना? कहती नहीं मेरी वाली बिल्डिंग में तो नहीं है। फिर मैं यू रेस्क्यू स्क्वाड लेके जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ फंस गई है बिल्डिंग के अंदर। तो एक और व्लॉग बन जाएगा, रिस्किंग माई लाइफ टू सेव माई वाइफ, टू सेव माई वाइफ, रिस्किंग माई लाइफ, रिस्किंग माई लाइफ। एक तो तुम्हारा साबुन ही बहुत स्लो है, मैंने हिसाब लगाया। अच्छा बॉयज एंड गर्ल, तो सीन ही है इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी असल में मेरी नहीं, ये गाड़ी थी फिजा की। तो फिजा से जब मेरी शादी हुई तो ये गाड़ी मुझे दहेज में मिल गई, ठीक है, लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। ये तो मैंने शादी की ऐसे। नो नॉट एक्चुअली, ये गाड़ी यार इस BMW 2008 5 सीरीज है। इट्स अ वेरी ओल्ड कार, बट अभी भी ये काफी गाड़ियों से बहुत ज्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस में। मतलब के मैं यूं रेस मारूं ना, यूं पिक करके उड़ती भी जाती है। ये गई आगे उड़ती भी। पिक इसकी अभी तक बहुत कमाल है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। मसला ये कि इसके अंदर पेट्रोल आपको प्रीमियम वाला डलवाना पड़ता है जो कि महंगा होता है। कोई इसके अंदर मसला हो जाए वो भी इसके बारे में अभी बात करते हैं, जो जितने इसके हिसाब पे हमने सही है। लग्जरी कार्स का काम जो होता है ना बहुत महंगा होता है, क्या करें, शशकों के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर साल में दो मसले, हर साल में इसके दो बड़े मसले निकलते ही निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना वो टूंग करके बजना शुरू हो जाता है, कभी इसकी जी ब्रेक पैड्स खराब हो गए, कभी इसका वाटर पंप तो एक हर BMW की गाड़ी का खराब होता है। हर काम इसका $1000 से नीचे का नहीं होता। अभी हमने इसका सही कराया था, कितने लगे हमारे टोटल को, $2,500-2500 तो लग गए थे। उससे पहले भी थोड़ी देर पहले इसका काम हुआ था, 800-900 शादी से पहले हुआ था, शादी से पहले और शादी के 2-3 महीने बाद इसका काम हुआ है। तो दो दफा साल में इसका हैवी काम होता है। दिस वाज अ सेकंड हैंड बॉट कार, लेकिन काफी कम चली हुई थी ये, एंड स्टिल इट्स अ वेरी गुड कार। एक BMW की बात है, डिस्पाइट बीइंग सच एन ओल्ड कार दे वर वे अहेड ऑफ द टाइम। रिमोट कंट्रोल कार सीट्स हैं, ऑब्वियसली एप्पल कार प्ले नहीं, पुरानी गाड़ी है, एसी इसका ऑफ। अब पुरानी गाड़ियों का पता सीन क्या होता है, इनका एसी बहुत प्रीमियम होता है भाई। अभी एसी में चलाऊ ना तो बंदे की शॉर्ट हो जाती है, बहुत फ्रीज करता है। उस पर फोकस करो तो इसके अंदर यही फंक्शन है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव है, ठीक है, और आई थिंक इट्स आल्सो मैनुअल, इट कैन आल्सो बी शिफ्टेड टू मैनुअल। इसके अंदर ये जो ऑब्वियसली इसकी DVD प्लेयर है, तो सीडियों का जमाना असल में चला गया ना। अंदर सनरूफ है, सनरूफ इज अ प्लस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारा सेक्सी सनरूफ। अभी इधर ठंड हो रही है तो हम खोलते नहीं है यूजली से, वक्त भी इतनी बड़ी इस पे स्क्रीन लगी होती थी जिसपे ये दिखा हो जाए। ये आप चेंज कर सकते हो मेन्यू, ठीक है, क्लाइमेट है, इसको एंटर करो तो ये आ जाएगा, गाड़ी का क्लाइमेट आ जाएगा, ये च्युइंगम हटा दो। फिर आई थिंक वेंट सेटिंग्स कर सकते हो, टेनमेंट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऑक्स की ऑप्शन है, यू नो CD की ऑप्शन है, ऑब्वियसली FM है, पेयर योर ब्लूटूथ डिवाइस, और आप कॉल गाड़ी पे भी ले सकते हो, विच इज ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी, इतना एफिशिएंट नहीं है। देन अगेन पुरानी गाड़ी है, दैट ऑल्सो मेक्स इट रियली मोर वैल्यूएबल, बिकॉज बहुत रोबस्ट इसका इंटीरियर है। मैं किसी का सर यहाँ पे पकड़ के मारो ना तो आधा फट जाएगा। वाह 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 वाह, आजकल की गाड़ी पे मारो तो गाड़ी आधी फट जाएगी। लाइक वेरी हार्ड प्लास्टिक, बहुत पोर्टेंट प्लास्टिक है पुरानी गाड़ियों वाली। इसके अंदर यू नो एक फील है, एक स्मेल है, ओपन स्पेस है गाड़ी के अंदर। ये आइसक्रीम वाली जगह पे हम आ गए ऑलमोस्ट, और फिर बाहर से भी दिखाते हैं। अनदर थिंग व्हिच इज ऑडली सेटिस्फाइंग अबाउट दिस कार इज बेसिकली ये जो चाबी वाला इसका सीन है, ये आपने स्टार्ट करके बंद की, ये क्लिक करके सही यूं निकाल लिया। मेन चीज पे आ गए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बाय वन गेट वन फ्री ट्यूजडे को। अबे दफा करो, हमने क्या करना है।
रॉकी रोड टोस्टी मैश मिलो ठीक है. आई जस्ट एट फूड यार. बनाना पुडिंग अच्छा फ्लेवर होगा. थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लो. और क्या लेना है तुमने? बस ये वैसे फजूल ही होती हैं चीज़ें. अच्छा इसमें ना क्या होता है, आइसक्रीम आपने डाली है ना साइड में, ये सारी चीज़ों पर डालो जेली वगैरह और ये. बट आई नेवर एंजॉय देम. दिस इज ऑल लाइक एक्स्ट्रा शिट दैट यू डोंट नीड. जमाने में बड़े शौक से खाता था ये, बस अब दिल्ली उड़ गए इन चीज़ों से. ये ले लो, ये वॉफल चिप्स ले लो, ये अच्छे होते हैं. एक दफ़ा आपको बाहर से दिखा देता हूँ गाड़ी ठीक है. ये देखो जरा बाहर से ऐसी यार, बाहर से बहुत प्यारी लगती है. आई 100% एग्री. ये देखो ये जो BMW के टायर और काली स्लीक लुक ना, काला रंग तो मेरा फेवरेट है वैसे भी. तो ये जैसे आप चेक कर सकते हैं, ये मतलब आप चेक करें, सेक्सी किस्म की तो गाड़ी है माशाल्लाह. ये इसकी शशकें हैं बहुत ज़्यादा. एंड इट्स अ वेरी बिग कार. ये डाइट कोक इसका पार्ट नहीं है गाड़ी का. ये हमने वैसे ही गंद थोड़ा मचाया हुआ है. मैंने इस गाड़ी को धोने भी जाना है. मैंने अभी धोया था रिसेंटली, बहुत गंदी हो रही थी, सारा साफ किया था. पीछे भी AC की ऑप्शन है, आप पीछे भी AC लगा सकते हो. ये वॉक्स केबल है यहाँ पे, आप इसको नीचे करो, यू नो ऑप्शन हैं. ये कप होल्डर खुल जाएगा ठीक है. उसके बाद इज अनदर ऑप्शन, आप अपनी चीज़ें रख सकते हो ठीक है. बट इट्स अ वेरी क्लासिकल कार, एवरीथिंग दैट यू नीड इज देयर. बेचारी वहाँ बैठी आइसक्रीम खा रही है. BMW को बाय करना इज नॉट एन इशू ना, ऑब्वियसली इट्स अ महंगी कार है. लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इशू इसको मेंटेन करना. कोई इसका हल्का सा मसला निकला है, आपको $1,500 तो लगते ही है. स्पेशली अगर आप BMW के मैकेनिक से करवाने जाओ, वो तो ठगते हैं. तो आपको ना फिर इसके कभी कभी पार्ट्स मंगवा के छोटे मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है. अब मुझे समझ नहीं आती लोग पाकिस्तान में BMW कैसे अफोर्ड करते हैं, मेरी समझ से बाहर है. कि लाइक आपको वहाँ पे पार्ट्स भी नहीं मिलते, फिर बिलालगंज जाना पड़ता है जहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से पार्ट. मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मैकेनिक्स को नहीं पता होता यू कैसे यूज करना है उसको सही. एंड द ओल्डर द कार द हार्डर इज फॉर देम टू लाइक यू नो नेविगेट थ्रू प्रॉब्लम्स. तो ये सोचो पाकिस्तान में लोग कैसे गाड़ियां रख रहे हैं भाई, कहाँ से पार्ट्स मिलते हैं. और यू नो वहाँ पे तो बंदा बड़ी गाड़ी रखे ही ना. हमारी गाड़ी होती थी खड़ी हुई मोहल्ले से, वो कोई कान उतार के ले गया तक करके, कोई लाइन मार के चला गया कोई गाड़ी के आगे. वो हमारी प्रीमियो होती थी, टोयोटा प्रीमियो ना, उसके आगे रॉड लगा होता था प्यारा सा. हमारा वो नेबर था कुत्ते का बिल्ला, तोड़ के चला गया उसका रॉड. अब बंदा आई मीन क्या रख के करे फिर गड़ी गाड़ी वहाँ पे, लाइक देयर इज नो पॉइंट. यहाँ पे भी लोग ना जेलेसी वाले टेस्ला पे लाइन लाइन मार के जाते थे, तो इट्स यूनिवर्सल थिंग. बट वहाँ पे तो बहुत होता है. लग्जरी कार वैसे भी देसियों के पास होती है. जो टेस्ला है सबसे ज्यादा देसियों ने इंडियंस रखी हुई है यहाँ पे. आप कभी यहाँ चाय वाली जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगा किसी दिन साथ, वहाँ पे मैं 10 टेस्ला दिखा दूंगा आपको. नई ब्रांड न्यू अंदर से निकलेगा ऐसे चड्डी में. वो मोन डिजीमोन जिसका पेट निकला होता उस तरह डिजीमोन की तरह जा रहा होगा. लुंगी पहनी होती है ऊपर बनियान पहनी. हाँ लुंगी पहनी होती है ऊपर बनियान पहनी होती है. यहाँ से बाल थोड़े निकल रहे होते हैं, लेकिन हाँ बाबू राव की तरह ना स्टाइल, बाबू राव स्टाइल. बॉयज एंड गर्ल्स हम पीछे रह रहे हैं, क्या करो. वैसे मुझे इंडियन लोग भी देखते हैं. नथिंग अगेंस्ट यू गाइस यार, मेरे को वर्कर इंडियन है सारे. बहुत हार्ड वर्किंग है टू बी ऑनेस्ट. दैट्स एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दे आर हार्ड फास्ट क्योंकि उनको शौक होता है सीखने का. यू कैन एक्चुअली सी कि वो लोग शौक के लिए कर रहे हैं. वो देखो मेरा फेवरेट जगह. नहीं तो क्यों उसने अपना नाम, यहाँ पे लोगों का नाम होता है डिक वैसे. हेलो माय नेम इज डिक. ये कोई पुराना अंकल है. वाओ डिक यू आर दिस स्मॉल व्हेन आई सॉ यू. ज्यादा हो गया. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स हम व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब. टेक्स यू नथिंग बट यू नो हेल्प्स योर बॉय अ लॉट. इंशाल्लाह इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. Go ahead, be gone with it.